हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नीरज द्विवेदी आपका अपने चैनल इन्फिनिटी अकेडमी सुंदरनगर पे स्वागत करता हूं। आज हम लीनियर इक्वेशन के फोर्थ पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि है वर्डिंग प्रॉब्लम बेस। तो आर एस अग्रवाल के चैप्टर 9C पे वर्डिंग प्रॉब्लम्स है। तो जनरली हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है वर्डिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसी के माध्यम से ही हम लोग सब इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करिएगा, वहां से प्रीवियस पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 9C पे टोटल 24 क्वेश्चन हैं, तो आज हम केवल 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, If 9 is added to a certain number, the result is to 36. Find the number. तो जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि a number यानी क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है और एड करना है क्या 9, the result is 36. ठीक है, तो सम को वैल्यू नहीं पता है तो वो क्या होगी, हमारी वेरिएबल होगी यानी क्या होगी x। और क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो ऐड कर देते हम 9 और रिजल्ट क्या, यानी रिजल्ट मिस होता था इक्वल 36। तो आप देखेंगे x हमारा क्या है, वेरिएबल है और 9 हमारी कैसी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा RHS की ओर जहां है 36। और ट्रांसपोजिशन का रूल क्या कहता है कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो 9 जो है प्लस से हो जाएगा माइनस 9, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कितनी 27। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 89, फाइंड द नंबर। तो 11 हमको सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स अ नंबर, यानी 4 टाइम्स अ नंबर, अ नंबर होता है हमारा वेरिएबल और 4 टाइम्स में दैट मींस 4 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल विच इज x। और 11 को सब्ट्रैक्ट करना है इस संख्या से और रिजल्ट यानी इक्वल टू 89। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है जहां LHS और RHS हमारी वैल्यू पुट हो चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस 11 इज इक्वल 89। तो 11 जो है हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको हम RHS को लेकर जाएंगे तो माइनस 11 से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, 89 प्लस 11 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा 100। और x क्योंकि 4 क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन पर, तो यहां जाएगा तो ट्रांसपोजिशन रूल अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डिवीजन पे, तो कट हो जाएगा तो 25 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो 25 है वो x की वेरिएबल हमारी वैल्यू है जिसका 4 टाइम्स करने पर और उसमें 11 माइनस करने पर हमारा जो रिजल्ट होगा 89 को वेरीफाई करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो संख्या खुद इंक्रीज हो जाती 80 से। यानी कि संख्या जो हमारी है x उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यही संख्या है जो इंक्रीज हो जाती है किससे, 80 से, यानी 80 ज्यादा हो जाती है, यह संख्या खुद 80 ज्यादा हो रही है, इसलिए x प्लस 80 हमको करना पड़ेगा। अब देखते हैं 5x इज इक्वल x प्लस 80। तो वेरिएबल हमको एक साइड लाना है, तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव पे तो नेगेटिव पे हो जाएगा, तो 5x माइनस x इज इक्वल 80।
तो 4x इज इक्वल 80 देन x इक्वल 80 बाय 4 ट्रांसपोजिशन का रूल हमने इस्तेमाल किया है। तो 4x 4 चूंकि मल्टीप्लाई पे है तो डिवीजन पे जाएगा और 80 बाय 4 यानी रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20 आ जाएगी। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया 20 आ गया है। यदि इसका हम 5 टाइम्स करते हैं तो आएगा 100 और 100 यानी कि अपने आप से 80 ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114 फाइंड द नंबर्स। तो वर्ड यहां जो आया कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है द नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। कंसेक्यूटिव क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्रमागत। तो जैसे हमने कहा कोई नंबर हम ले लेते हैं 10 11 और 12 तो ये क्या है नेचुरल नंबर है और कंसेक्यूटिव है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है हमेशा 1 होता है यानी लगातार जो संख्याएं आ रही है जैसे हमने कहा 12 11 12 या 20 21 22 तो ऐसे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे क्रमागत होंगे यानी कि कंसेक्यूटिव होंगे। तो इनका डिफरेंस क्या होता है हमेशा ये याद रखने वाली चीज है कि इनका डिफरेंस हमेशा होता है 1। तो यदि हमने कहा फर्स्ट नंबर यदि हम एक्स लेंगे तो अगली संख्या क्या होगी जो उसकी वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी यानी एक्स प्लस 1 हो जाएगी ये दूसरी नंबर हो जाएगी और उसके नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी उसमें यदि हम 2 जोड़ दें तो अगली वैल्यू उनको निकल आएगी हमारी। तो इनका एडिशन क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और उनका एडिशन हो रहा है 114 इनको हम सम करते हैं यानी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल है हमारा 114 के। तो एक्स 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 यानी ये 3x हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल 114 ये वैल्यू हमारी है कांस्टेंट तो इसको हम लेकर जाएंगे आरएचएस पर तो प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो 3x इज इक्वल हो जाएगा 114 माइनस का 3 3x इक्वल हो जाएगा 111 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 111 अपॉन 3 ट्रांसपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग। तो कट कर दो कितना आ जाएगा हमारा 3 के टेबल पढ़ते हैं 3 3 जा 9 एंड 7 तो ये हमारी वैल्यू जो है x की है तो जो नंबर होगी x तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 यानी कि 38 और x प्लस 2 क्या हो जाएगा 39 ये हमारी नंबर्स हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स जो हमारी हैं 37 38 और 39। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है क्वेश्चन है व्हेन राजू मल्टीप्लाई 10 नंबर बाय 17 एंड एड्स 4 टू इट्स प्रोडक्ट ही गेट्स 225 फाइंड द नंबर। तो मल्टीप्लाई करना है राजू किससे एक सर्टेन नंबर को 17 से ठीक है यानी 17 से मल्टीप्लाई करना अ सर्टेन नंबर यानी वो क्या होगी x होगी वेरिएबल है हमारी और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से। देन आफ्टर क्या बोल रहा है कि ऐड करना है 4 इसके प्रोडक्ट पे ऐड करना है हमको 4 तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है 225 तो हमारा इक्वेशन बन गया है। तब देखते हैं 17x प्लस 4 इज इक्वल 225 तो 4 हमारा जो है वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लेकर चलेंगे कांस्टेंट क्यों यानी आरएचएस क्यों तो 17x इक्वल हो जाएगा 225 माइनस का 4 हो जाएगा ट्रांसपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग। तो 17x इज इक्वल 221 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 221 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से और आ जाएगा हमारा क्या 17 1 जा 17 5 एंड 3 जा तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या चुकी है 13 यानी वो नंबर क्या है हमारी 13 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा If a number tripled and the result increased by 5, we get the 50. Find the number. तो जो a number है,
यानी कि वेरिएबल जो है हमारा उसको ट्रिपल करना है। ट्रिपल मींस ट्रिपल करो, थ्राइस करो, मल्टीप्लाई बाय 3 को कहते हैं। तो अ नंबर जो कि x है हमारा उसको ट्रिपल करना है और जो इनका रिजल्ट है उसको क्या करना है, इंक्रीज बाय 5 करना है। इंक्रीज दैट मींस मोर यानी प्लस, तो प्लस करना है 5 और वी गेट, गेट हमारा शो कर रहा है रिजल्ट को और रिजल्ट हमारा क्या है 50। तो ये हमारा इक्वेशन जो बन गया है वो है 3x प्लस 5 इज इक्वल 50। तो 3x 5 को लेकर चलेंगे आरएचएस पर, तो ये हो जाएगा प्लस 5 से माइनस 5, तो 50 माइनस 5, 3x इक्वल 45 और x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिवाइड बाय 3, दैट मींस 1s एंड 5s। तो रिजल्ट जो है हमारा वो क्या है 15 है। इसका थ्राइस करें, ट्रिपल करें और उसमें 5 जोड़ दें तो उसमें आ जाता है 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18 एंड देयर सम इज 92। तो यहां अब एक नंबर नहीं है, यहां दो नंबर हैं, टू नंबर्स। इन दोनों क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। तो ऐसे में इनको सॉल्व करने के लिए हमको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां एक वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल हमको लेना है और दूसरा क्या होता है उस पर डिपेंड वेरिएबल होता है। तो ये कैसे होता है हम इसको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा, यदि हमने कहा x हमारा वेरिएबल है और दूसरा क्या है एक्सीड बाय 18, यानी यही संख्या से वो कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा डिपेंड वेरिएबल कहलाएगा। यानी यदि हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो ये दूसरे की वैल्यू निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमको 18 ऐड कर देना है तो दूसरी वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यदि हमने कहा फर्स्ट नंबर x हो जाएगा तो सेकंड नंबर जो किससे एक्सीड है 18 वो क्या कहलाएगी हमारी x प्लस 18। इन दोनों का सम क्या है, सम कहलाता है यानी रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट सम कहलाता है। तो x प्लस 18 इन दोनों का सम कितने की इक्वल है 92 के। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x और x 2x प्लस 18 इक्वल 92। 18 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमको ट्रांसपोजिशन के रूल के अकॉर्डिंग आरएचएस को ले चलेंगे तो 18 हो जाएगा माइनस 18, ये 92 माइनस 18। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 18, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 यानी कि 4 और 8 7। x बराबर क्या हो जाएगा 74 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 एंड 7। तो हमारा x यानी वेरिएबल वैल्यू निकल आई कितनी 37 और नेक्स्ट जो हमारी नंबर यानी डिपेंड वेरिएबल क्या था x प्लस 18। तो सिंपल से यदि हम इसमें 18 जोड़ दें, 37 में 18 हम जोड़ दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेकंड नंबर कहलाएगी। यानी कि हम इसको ऐड करते कितना आता है 55 वो सेकंड नंबर है। तो दोनों नंबर हमारी क्या है 37 एंड 55, ये हमारे वो नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वन आउट ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस द अदर If their sum is 124, find the numbers. तो चलिए इसको देखते हैं। यहां भी टू नंबर्स हैं और उनका रिलेशन क्या है, जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर उनका रिलेशन है थ्राइस द अदर। यदि हम कहें फर्स्ट नंबर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, फर्स्ट नंबर x यदि हम लेते हैं तो सेकंड नंबर जो कि थ्राइस है, यानी थ्राइस मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई बाय, तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, यहां देयर सम, इनको यदि हम ऐड कर दें यानी x फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर जो कि 3x है उनका एडिशन कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा 124 होगा। x प्लस 3x इज इक्वल 124 है। तो x सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है तो ऐड हो जाएंगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल 124। तो x बराबर हो जाएगा 124 डिवाइड बाय 4 ट्रांसपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग।
तो इनको कट कर दो तो थ्री जा एंड वन जा, ये हमारी x की वैल्यू, यानी फर्स्ट नंबर जो x है वो क्या है 31st है, और सेकंड नंबर जो 3x है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई x, और x की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 31 हो गई है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 93। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारे 31 एंड 93, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर नंबर एंड देयर डिफरेंस इज 132। तो देखेंगे हम यहां टू नंबर्स यहां भी है हमारी और वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स अदर नंबर भी, और डिफरेंस की बात की जा रही है। तो देखेंगे हम कहें फर्स्ट नंबर जो है हमारा, फर्स्ट नंबर हमने कहा x है, ठीक है, तो सेकंड नंबर जो होगी क्या होगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मींस सेकंड नंबर जो है हमारी क्या हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस की बात की गई है, यानी डिफरेंस क्या होता है सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, तो हमेशा बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो इनका डिफरेंस हम लोग देखते हैं 5x माइनस एक्स इक्वल 132, वेरिएबल दोनों सेम है, इनका डिफरेंस हो जाएगा 4x इक्वल 132, तो x की वैल्यू हो जाएगी 132/4, कट कर दो तो 3 जा 3 जा, तो x की वैल्यू हमारी 33 आ गई है, और जो सेकंड नंबर होगी वो 5x है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है x से, 5 × 30 इज इक्वल टू 165, ठीक है, हमारे जो नंबर हो गए हैं वो 33 और 165 नंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर्स। तो यहां कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याएं, बट कंडीशन क्या है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर होती है जो 2 से डिविजिबल होती है, वो इवन नंबर कहलाती है। तो देखते हैं थोड़ा इवन नंबर के बारे में, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है हमारे इवन नंबर है, और जो भी क्या है कॉन्सिक्यूटिव। बट मेन चीज जो यहां मैं इसको बताना चाह रहा हूं वो क्या है, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है 2 होता है, दैट मीन्स यदि फर्स्ट नंबर 2 है तो सेकंड नंबर क्या होगी 4, यानी हमने कहा फर्स्ट नंबर हमारी x है, तो ये नेक्स्ट नंबर हमको 4 पाना है यहां से, तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगी x और x प्लस 2। सो यदि x और x प्लस 2 किया जाए तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 74, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x और x, 2x प्लस 2 इक्वल 74, 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू को लेकर चलेंगे यानी आरएचएस पे, तो 2x इक्वल 74, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल हो जाएगा 72 एंड x इक्वल हो जाएगा 72/2 36। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी x की आई वो क्या है 36 है, और सेकंड वैल्यू यानी कि x प्लस 2, तो x प्लस 2 यानी x की वैल्यू रख दो यहां 36, और 36 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 38। तो दोनों क्रमागत इवन नंबर यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है हमारी 36 और 38, दिस इज द आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, फाइंड द नंबर। यहां वर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, फाइंड द नंबर। यहां वर्ड फिर से कंसेक्यूटिव आया है, बट कंडीशन क्या है यहां ऑड नंबर की बात की जा रही है। ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट मींस यूनिट मस्ट बी 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये हमारी ऑड नंबर होंगी, बट
मेन चीज यहाँ फिर से यही देखना है कि इनका डिफरेंस जो है क्या है, टू टू का है, यानी फर्स्ट नंबर हमारी x होगी तो सेकंड नंबर उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, टू हो जाएगा, और ये हमको वन से नेक्स्ट नंबर को प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है, तो फिर से x प्लस टू करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस फोर। तो तीनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, x, x प्लस टू और x प्लस फोर, तो इनका एडिशन क्या है, x, x प्लस टू प्लस x प्लस फोर इक्वल 21 की इक्वल है, तो देखेंगे यहाँ x, x, x इन 3x प्लस 2, 4, 6 इक्वल 21, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। 6 को इधर लेकर चलते हैं, 3x इक्वल हो जाएगा 21, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 15 और x बराबर हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3 यानी 5, ये हमारी x की वैल्यू है। और नेक्स्ट नंबर यानी x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 ऐड कर दें तो 5 प्लस 2 यानी 7, और उसमें भी 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा 9, ये तीन नंबर हमारी हैं 5, 7 और 9, जिनका एडिशन किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय, इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ओल्डर देन 6 ईयर, बट कंडीशन क्या है, यहां वेरिएबल दोनों अलग अलग है, अजय और रीना, ठीक है, या तो हम यहां क्वेश्चन पे अजय के रिस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं या तो रीना के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। यदि रीना से बात करें, रीना के रिस्पेक्ट पे, हम क्या कहेंगे, अजय 6 साल छोटा है रीना से, या अजय के रिस्पेक्ट में बात करें तो रीना 6 साल बड़ी है अजय से, तो दोनों इक्वेशन में हमारा आंसर वही आने वाला है, बट जो आपको सुटेबल लगे उसको आप वेरिएबल लीजिए। तो हम यहां वेरिएबल लेते हैं अजय, ठीक है, लेट अजय is x, then Reena हमारी क्या है, 6 year older than Ajay, यानी कि जो अजय की एज होगी उससे 6 साल ज्यादा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम यानी कि उनके एज का सम क्या है, 28 ईयर, यानी कि x जो अजय की एज है उसमें ऐड कर दो जो रीना की एज है, x प्लस 6 इज इक्वल कितना है, 28 ईयर, हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो 2x प्लस 6 इक्वल 28, तो 2x इक्वल हो जाएगा 6 को इधर ले चलेंगे, 28 माइनस 6 प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल हो जाएगा 22, तो x इक्वल हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 11 ईयर। 11 किसकी एज है, 11 एज है जिसको हमने वेरिएबल माना था x, यानी अजय की एज, ठीक, और रीना की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 6 है यानी कि x जो है 11, उसमें जब 6 जोड़ दें तो आ जाएगी रीना की एज यानी 17, तो x यानी अजय की एज क्या हो चुकी है 11 और रीना की एज क्या हो जाएगी 17, यही हमारा आंसर है। तो आज सभी क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहां 12 क्वेश्चन किए वो भी पूरा बेसिक तरीके से, इसलिए आपने यदि बेसिक पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अंत में चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल इन्फिनिटी अकेडमी सुंदरनगर को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।